मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा जिले के फरहदी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मणिपुर हमले में शहीद हुए जितेंद्र कुशवाहा के परिजनों से मुलाकात की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने परिजनों को सांत्वना दी और कहा कि इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। इस दौरान सीएम शिवराज ने शहीद के परिवार को 10 लाख रूपये की सम्मान निधि दी। वहीं परिवार के एक सदस्य को नौकरी समेत रीवा में एक मकान भी देने की बात कही। इसके अलावा फरहदी में शहीद जितेंद्र के नाम पर एक स्कूल भी खोला जाएगा। गांव में प्रवेश द्वार, मुख्य मार्ग से उनके गांव तक की सड़क भी शहीद के नाम पर ही रखी जाएगी। परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में स्थान दिया जाएगा ताकि परिवार की आजीविका चलती रहे। ये विचार भी मन में आया है जिसको क्रियान्वित करने का फैसला किया है। रीवा में उनको एक मकान, हाउसिंग बोर्ड जो कॉलोनी बना रहा होगा उसमें से एक मकान उनको आरक्षित किया जाएगा, उनको दिया जाएगा। उनका स्मारक यहाँ मैंने अपने विधायक जी, मंत्री जी सबसे कहा कि अंतिम संस्कार हुआ वहां या जो भी उपयुक्त स्थान हो, थोड़ा सा कौन सा स्थान है क्या है वो तय करके उनकी स्मृति को अक्षुण रखने के लिए बनाएंगे। और एक एनएच से यहां तक आने के मार्ग की बात हुई है और उस मार्ग पर उनके नाम से एक द्वार बनाने की बात हुई है, उनके नाम पर एक द्वार भी बनाया जाएगा। मैं अपनी ओर से, प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से अमर शहीद जितेंद्र कुशवाहा जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं।